यहाँ जो देख रहे हैं ये द्वारका माई का है। बाबा द्वारका माई में जब लीन रहते थे तो उस समय भक्त लोग कभी कुछ बोलते नहीं थे बाबा से, अन्ना बाबा ही कुछ मतलब जब बाबा लीन से हटते थे तो देखते थे कि मेरे भक्त मेरे इंतजार में बैठे हैं, तो बाबा के सामने जो भी दुख परेशानी होता था तो बाबा के सामने रखते थे, बाबा उनके कष्टों का निवारण करते थे द्वारका माई से। यहाँ जो देख रहे हैं ये बाबा का द्वारका माई का है, बाबा का आज भी पत्थर वहाँ रखा है द्वारका माई में, जो भक्त लोग आते हैं तो उस पत्थर का भी दर्शन पाते हैं, क्योंकि इस बाबा इसी पर बैठकर अपने भक्तों को कल्याण के लिए सोचते थे, तो ये बाबा का आज भी पत्थर वहाँ रखा हुआ है द्वारका माई में। यहाँ जो देख रहे हैं ये लेडी बाग का है, चार नंबर गेट का, बाबा का पेड़ पौधा हाथ का सींचा हुआ है, जिस पेड़ से बाबा हाथ से सींच रहे हैं वो हांडी से जो पानी दे रहे हैं वो बैजा माई के पुत्र देते थे तात्या, तो जब बाबा हांडी रखते थे तो हांडी फूट जाती थी, तो एक दिन बाबा ने गुस्से में डांटे कि तू कैसा हांडी देता है, तो बाबा को वचन देता कि 3 साल तक आपके सेवा में रहेंगे बाबा, आपको हांडी प्रतिदिन एक रोज नया देते रहेंगे। इसी तरह उनके साथ भक्ति भाव बना रहा तात्या का। यहाँ जो देख रहे हैं ये बाबा का द्वारका माई का है, आइए ना ले लीजिएगा आराम से लीजिएगा, हम चले जाएंगे बोलते तो आपको आराम से मैडम का भी ले लीजिएगा फोटो बाबा के साथ में। यहाँ जो देख रहे हैं ये बाबा का द्वारका माई का है, बाबा द्वारका माई में बैठ के पानी से दिया जलाई था, क्योंकि काम था बाबा का भिक्षा में तेल लेने का, जब बाबा शाम के टाइम जाते थे तेल लेने तो इन लोगों ने बाबा के बारे में थोड़ा गलत सोच ली था, बाबा के बारे में बोलने लगे कि रोज रोज की इनकी आदत है तेल लेने की, आज आएंगे बाबा तो तेल नहीं देंगे, जो बातें ये लोग आपस में बात कर रहे थे बाबा को सब पता चल गया द्वारका माई में बैठे बैठे कि मेरे भक्त मेरे लिए क्या सोच रहे हैं, पर बाबा का नियम था भिक्षा में तेल लेने का, जब अपने नियम से गए भिक्षा में तेल मांगने तो बाबा को खाली हाथ वापस लौटा दी, बाबा ने कुछ बोले नहीं, बाबा आके अपने हाथों से पानी से दिया जलाई था, जो बाबा रात भर जो जल रही थी तो फिर ये लोग जाके बाबा से क्षमा मांगी, बाबा कहीं दोबारा ऐसा गलती करना नहीं, सामने वाला जो जाए तो उसे प्रेम भाव से भिक्षा में दो, बाबा ने ये समझाई। यहाँ जो देखें गुरु स्थान है जहाँ बाबा बैठ के बच्चों को हर दिन कहानी सुनाते थे, उसी कहानी सुना के नीम की पत्ती जो कड़वा थी वो बाबा ने मीठी कर दी, जो आज भी वो पत्ती मीठी है, जो भक्त लोग आते हैं तो उस पत्ती को ले जाते हैं प्रसाद के रूप में। यहाँ पर जो देखते हैं ये द्वारका माई का है, बाबा के समय क्या था कि भजन कीर्तन द्वारका माई में होता था, तो बाबा के किसी ने भक्त ने उसमें कह दिया कि बाबा आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, तो बाबा ने खड़े होकर नृत्य करने लगे, उसी नृत्य में बाबा ने अपना 3 रूप दिखाया था, ब्रह्मा विष्णु महेश का 3 रूप, वो रूप देखकर सारे भक्त लोग भयभीत हो गए, बाबा से फिर क्षमा मांगी, बाबा कहे कि कभी ऐसा पूछना मत कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, वो तो सबके मालिक एक ही हैं, तभी से बाबा को भगवान की तरह पूजने लगे। यहाँ पर जो देख रही है द्वारका माई का है, बाबा कहते हैं कि जो भी भक्त आते हैं तो समाधि से आप लोग मांगते हैं, समाधि में सिर्फ जाइए दर्शन लीजिए, पर जो मनोकामना दिल में लेकर आए हैं वो द्वारका माई से मांगना चाहिए, क्योंकि बाबा वहीं से पूरा करते हैं अपने भक्तों का। ये नाना चंद्रकर है, ये उनकी धर्मपत्नी उनकी पुत्री है, इनको पुत्र नहीं हो रहा था तो बाबा के पास आए थे, तो बाबा ने इन्हीं को वरदान दिया था पुत्र का, जब इनको पुत्र हुआ था तो बाबा के पास आई थी दोबारा दर्शन के लिए। यहाँ जो देख रहे हैं ये बाबा का द्वारका माई का है, बाबा का आज से 200 साल पहले द्वारका माई इसी तरह था, बाबा का वो मस्जिद था, पर बाबा ने जब अपना चरण धरी तो नाम दे दी कि आज से इसको द्वारका माई कहा जाएगा, तभी से भक्त लोग द्वारका माई का नाम दिन द्वारका माई करने लगे भक्त लोग। यहाँ जो देख रहे हैं ये बाबा का पालकी निकलती है हर गुरुवार को रात को 9:30 बजे, जो भक्त लोग आते हैं तो उस पालकी का भी दर्शन होता है बाबा का। यहाँ जो देख रहे हैं ये द्वारका माई का है, बाबा द्वारका माई में एक इनके भक्त थे श्यामा, बाबा से आए थे परमिशन लेने के लिए, बाबा को बोली कि बाबा ये बताइए कि हमें जाना है बनारस काशी, हम आपसे आज्ञा लेने के लिए आए हैं, बाबा के कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारा तीर्थ मेरे चरणों में, जब बाबा के चरण में झुककर देखी तो सारा तीर्थ उन्हीं के चरण में मिल गया, तभी से बाबा के भक्त बन के बाबा के साथ रहने लगे थे, वो देखिए श्यामा है बाबा के भक्त जो टोपी लगाए ना बच्चे के बगल में खड़े हैं श्यामा। यहाँ जो देख रहे हैं ये बाबा के समय एक बीमारी आई थी महामारी, उसी बीमारी को भगाने के लिए बाबा ने स्वयं अपने हाथ से आटा पीस के 4 भाग में किया, और तो कोटली बांध के जब ले जाने लगे
तो बाबा ने कस के डांटी, कहीं भी इसे रखो, जो बीमारी आई है सुड्डी में महामारी उसे लक्ष्मण की तरह खींच दो, जो बीमारी जाएगी तो नहीं आएगी। जो पहला चमत्कारी था बाबा के स्टार्टिंग में, दरवाजे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पर आप कुछ रखिए, हम